हाय एवरीवन वेलकम टू टिक्चिस आज के इस वीडियो में हम एम्स के बारे में देखने वाले हैं कौन कौन से एम्स हैं टोटल कितने एम्स हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जिसकी टोटल फीस कितनी है सीट्स कितनी है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड फीस स्ट्रक्चर डिटेल में हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी बी नर्सिंग करना चाहते हैं एम्स हैं एंड इस बार एंट्रेंस देने वाले हैं इसकी आपकी शन स्टार्ट हो चुकी है और कंप्लीट इमेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है आप देख सकते हैं आ, 14 है और इन फोर्टीन एम्स में आपका बी नर्सिंग कोर्स करवाया जाएगा इस बार और पिछले साल आपका आई गेस ट्वेल्थ एम्स थे जिसमें बी एस नर्सिंग हुआ है तो दिल्ली में टोटल 96 सीट्स हैं है एंड इसके लिए आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी सीट से बाकी बठिंडा में आपका 60 सीट है सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो ऋषिकेश में ही है बी एस नर्सिंग कोर्स के लिए एंड सबसे कम अगर हम सीट्स देखें तो बिलासपुर में 40 सीट्स ही है एंड यहाँ पे नागपुर में भी आपका 40 सीट्स है तो कंप्लीट आप यहाँ पे देख सकते हैं सो so, इस बार टोटल 14 एम्स पार्टिसिपेट करेगी फॉर बीएससी नर्सिंग जिसमें दिल्ली में जो एम्स है उसके लिए 96 सिक्स सीट्स है बठिंडा है भोपाल भुवनेश्वर बिलासपुर देवघर गोरखपुर जोधपुर कल्याणी नागपुर में है मंगलगेरी पटना रायपुर ऋषिकेश तो ये फोर्टीन एम्स की टोटल सीट्स आप देख पाएंगे एंड पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ, सिर्फ न्यू दिल्ली में ही है और इसके अलावा कोई और एम्स नहीं है जहाँ पे पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग करवाया जाता हो यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं आ, आउटसाइडर कैंडिडेट्स के लिए टोटल थर्टी सीट्स हैं एंड बाकी ट्वेंटी सीट्स है, इनसाइडर के लिए हैं ठीक है थीके? अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तो ये जो फ़ी एंड अदर एक्सपेंसेस देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टाइपेंड की भी बात करेंगे पहले आप फीस के बारे में देखते हैं रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो ट्वेंटी फाइव रुपीज़ है एंड जैसे कि बी नर्सिंग टोटल चार साल का कोर्स है तो ट्यूशन फ़ी जो आपका होगा कंप्लीट फोर ईयर्स का वो सिक्स हंड्रेड ही होगा बी नर्सिंग कोर्स के लिए एंड जो पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग है उसके लिए टू हंड्रेड है दो साल का आपका पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग कोर्स होता है तो फीस बहुत कम होती है अगर यहाँ पर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं एंड टॉप लेवल के एम्स या किसी भी एम्स में आप एडमिशन ले पाते हैं तो आपके फीस नेगेलिजिबल है एंड ये बहुत अफोर्डेबल है बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी होगी एम्स एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो बाकी हम फीस देखते हैं पोस्ट मनी भी यहाँ पे आपको पे करना होता है बीएससी नर्सिंग के लिए नाइन सिक्सटी रुपीज़ है एंड पोस्ट बेसिक के लिए फोर एटी रुपीज़ है इसके बाद अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल रेंट रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए फोर एटी रुपीज़ चार साल का ये हॉस्टल रेंट है एंड बी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए टू फोर्टी है दो साल के लिए कॉशन मनी भी है यहाँ पे हंड्रेड रुपीज बट ये सभी स्टूडेंट के द्वारा पे किया जाएगा हर स्टूडेंट को हंड्रेड रुपीज यहाँ पे देना होगा हॉस्टल सिक्योरिटी के लिए वन थाउजेंड रुपीज़ है और ये रिफंडेबल है ठीक है ये आपको बाद में रिफ़ंड कर दिया जाता है सो so, इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं देखो बी नर्सिंग जो करना चाहते हैं जो हॉस्टल रहेंगे उनके लिए रहे यहाँ पे मेस चार्ज सेवन हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ है हर महीने आपको सेवन हंड्रेड रुपीज़ देना होगा और ये सभी वो स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है जो नर्सिंग स्टूडेंट है ठीक है तो नर्सिंग स्टूडेंट अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो सेवन हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना होगा बाकी अगर अदर फीस की बात करें तो ये पर डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो ये आपका कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है अगर आप बी एस सी नर्सिंग ऑनर्स करना चाहते हैं और हॉस्टल लेते हैं तो आपको मेस चार्ज भी देना पड़ेगा ये कंपलसरी है ऑप्शनल नहीं है अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड uh, की तो बी एस सी नर्सिंग को यहाँ पे 500 पर मंथ स्टाइपेंड uh, दिया जाता है और बाकी आप बैच ऑफ ऑप्टोमेट्रिक के लिए देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो स्टाइपेंड दिया जाता है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप वो बैच ऑफ ऑप्टोमेट्रिक को दिया जाता है दैट इज थर्टीन थाउजेंड नाइन फोर्टी रुपीज़ पर मंथ एंड बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग बी एस सी नर्सिंग पोस्ट बेसिक को फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ स्टैपिन दिया जाएगा सो so, अभी भी कोई डाउट है एम्स फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर एम्स से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर, कर लीजिएगा ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच एंड टेक केयर